अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल्ला, सेवन एच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। इलिया शरफुद्दीन साहब का कहना है कि चाइना ने भारत के कमांडिंग ऑफिसर और दो जवानों को मार दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह भारत भारतवासियों की हिफाजत करे हर बुरी चीज से और पूरी दुनिया वालों की भी। बहुत ही अफसोस की खबर आई है, चाइना ने हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर और दो जवानों को मार दिया है कल रात में। मैं ये कहना चाहता हूं बगैर झिझक के, हमारी फौज, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, नेवी मजबूत बहादुर है। हमारी हुकूमत, मोदी गवर्नमेंट, अमित शाह, राजनाथ सिंह गवर्नमेंट, बीजेपी, आरएसएस कमजोर, ढयूस और बिल्कुल फुलपिले और बिल्कुल खोखले हैं। ना अंदर की सिक्योरिटी संभाल के मासूमों को बचा सक रहे हैं, ना बाहर की सिक्योरिटी संभाल के हिंदुस्तान बचा सक रहे हैं। यहां पर दलितों, मुसलमानों को मारा जा रहा है आरएसएस के आतंकवादियों की तरफ से, चल रहा है, ना बचा नहीं सक रही है बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी अमित शाह गवर्नमेंट। और बॉर्डर पर चाइना और नेपाल की तरफ से अटैक पे अटैक हो रहे, नहीं बचा सक रहे। मैं कहना चाहता हूं, याद दिला दू सबको तारीख, हिस्ट्री सोच अच्छे से सुन लीजिए। चाइना को अगर हराए थे अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बासी खलीफा के मुसलमान आर्मी ने आकर हराया था अल्हम्दुलिल्लाह। टैंग डायनेस्टी को बिल्कुल साफ कर दिए, पूरे सिल्क रोड पर अल्हम्दुलिल्लाह कब्जा कर लिए, 400 साल हुकूमत करे अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी चाइना को हरा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान पैट्रियट्स तैयार है, मुस्लिम पैट्रियट्स तैयार है चाइना को हराने के लिए। आप अहद, समद, मोहम्मद, खालिद, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसनैन नाम की रेजिमेंट्स डालिए, मुसलमानों को मौका दीजिए। बॉर्डर पर इंशाअल्लाह भारत की हिफाजत अल्लाह के लिए, 130 करोड़ भारतवासियों की हिफाजत अल्लाह के लिए करने के लिए जाकर चाइना को हराएंगे इंशाअल्लाह। बीजिंग तक घुस जाएंगे इंशाअल्लाह, बीजिंग तक। बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट से होने वाला नहीं है ये काम, काबिल लोगों को दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। जो चाइना को पहले भी तारीख में हराए हुए, पढ़ लीजिए गूगल पे, टैंग डायनेस्टी का पत्ता साफ कौन कर दिया था, पूरी सिल्क रोड को कब्जे में कौन ले लिया था, अब्बासी खलीफा के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम आर्मी, अभी भी तारीख दोहराना है, हिस्ट्री को रिपीट करना है, मुसलमानों के रेजिमेंट्स भारत में बनाना है और बॉर्डर पर भिजाना है, फिर देखिए रिजल्ट कैसे आएंगे इंशाअल्लाह। आइए एक मालिक रब अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति उन्नति, दुनिया में कामयाबी, आखिरत में कामयाबी इंशाअल्लाह। पूरा चाइना अपना रहेगा। मुसलमान आर्मी ने चाइना को हराया था अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान आर्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह फिर हरा सकते हैं इंशाअल्लाह। पूरा चाइना हमारा हो सकता है इंशाअल्लाह। इस्लाम अगर रहेगा, इस्लाम लाइए दुनिया और आखिरत में ऑनर और शांति उन्नति पाइए, सिक्योरिटी पाइए। अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट पीपल, ऑल अंडर वन रूफ, अंडर ट्री ऑफ नॉलेज। दिस इज सक्सेस जूनियर कॉलेज। सक्सेस जूनियर कॉलेज, एकेडमिक एक्सीलेंस विद रीजनेबल फी स्ट्रक्चर, एक्सीलेंट हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी, वेल फर्निश्ड एंड हाइजीनिक क्लासरूम्स। आई एम पार्थ सारदी, प्रिंसिपल सक्सेस जूनियर कॉलेज। नाउडेज ऑल कॉलेजेस आर गिविंग only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls, remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H News. पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H News, आपकी आवाज़।